तो हेलो गाइस, भाई स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम करने वाले हैं टोयोटा की रिव्यू करेंगे दोनों का, भाई बेस मॉडल वर्सेस टॉप मॉडल का करेंगे। भाई ये है, भाई पहले तो ये दिखा दें, ये है बेस मॉडल हाई क्रॉस का जी, और भाई ये है टॉप मॉडल जेड एक्स है भाई। ठीक है, तो दोनों का कंपेयर करेंगे, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, बेस मॉडल क्या मिसिंग है क्या नहीं, तो इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए भाई, तो भाई आप नॉर्मल फ्रंट लुक पहले मैं इसकी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये टॉप मॉडल भाई इसका जेड एक्स। ये देखिए इस तरह की कुछ इसकी ये लुक है भाई। चलो मैं आपको पहले इसके ओवरऑल एक लुक दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, पहले आप इसकी लुक देख लो एक बार, फिर उसकी लुक दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए भाई, इस तरह कुछ इसकी लुक है, आप देख सकते हो। ये देखिए भाई, भाई ये रहा बेस मॉडल। तो चलिए इसका भी मैं एक बार लुक दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, बेस मॉडल में कुछ भी नहीं है भाई। ये देखिए इस तरह, ये देखिए भाई। तो चलिए भाई वीडियो करते स्टार्ट। तो भाई देखिए, तो भाई दोनों में मिलता है आपको 2000 सीसी का इंजन मिलेगा। तो भाई इस ये है जी वाला पेट्रोल वर्जन है भाई। ये भी टॉप मॉडल में आता है, पेट्रोल हाइब्रिड का आता है भाई, पेट्रोल इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो भाई इसमें देखिए फीचर्स की बात करते हैं तो नॉर्मल भाई इसमें मिलती है आपको 172 BHP पावर मिलती है इसमें, जो कि 209 का NM टॉर मिलता है भाई बेस मॉडल में। और टॉप मॉडल में लेने जाओगे तो भाई टॉप मॉडल में आता है 182 का BHP पावर मिलता है, जो कि 188 NM का टॉर मिलता है भाई। ठीक है, तो भाई इसमें और क्या होता है देखो, ग्राउंड क्लियरेंस तो दोनों सेम ही मिलेगा, 176 का दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस है भाई। ठीक है, इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे और बेस मॉडल में 2 एयरबैग्स मिलेंगे भाई। ठीक है, और इसमें आपको देखिए बेस मॉडल में कुछ है नहीं नॉर्मल सामने, और भाई टॉप मॉडल में लेने जाओगे आपको इसमें अभी फीचर्स ऐड किए गए, जो कि भाई इसमें एडास मिलता है, 360 कैमरा मिलता है, वेंटिलेटेड सीट मिलती है आपको। ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स है भाई टॉप मॉडल में। ठीक है, अलॉय भी मिलते हैं भाई इसमें मिलते हैं। देखिए तो नॉर्मल, चलो मैं आपको इसकी फ्रंट लुक दिखा देता हूँ। इस तरह यहाँ पे देख सकते हो तो लाइट भाई इस तरह की कुछ इसकी नॉर्मल। हेडलाइट देखिए, हेडलाइट इसकी इस तरह की भाई। ये देखिए, ना तो इसमें फॉग लैम्प्स है, ना इसमें सेंसर है, ना इसमें कैमरा है, कुछ भी नहीं है भाई ये देख सकते हो इसमें। तो भाई टॉप मॉडल दिखा देता हूँ मैं, टॉप मॉडल की लाइट देख सकते हो भाई इस तरह की है कुछ इसमें, पेट्रोल हाइब्रिड। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप मॉडल में भाई इस तरह की कुछ यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, जो कि लेजेंडर में मिलते हैं भाई। ये देखिए, यहाँ पे आपको सेंसर्स मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4 सेंसर्स मिलेंगे भाई। ये देखिए, इसमें आपको मेमोरी सीट्स भी मिलेंगी। ये देखिए, 4 इसमें सेंसर्स मिल जाते हैं भाई सामने पार्किंग के। यहाँ पे इस तरह के भाई बहुत ही गजब का लोगो है। यहाँ पे 360 कैमरा मिलता है सामने, इसमें मिलता है भाई 360 कैमरा मिलता है, लोगो भी बहुत गजब का है इसमें। यहाँ पे देखिए भाई, इस तरह की इनोवा की बैचिंग मिलती है इसमें। ये देखिए भाई, यहाँ पे कुछ इस तरह की, ये देखिए ये वाला भी, ये देखिए इस तरह ऐसा लगता है जैसे कुछ एक्स्ट्रा लगाया बाहर से। ये देखिए इस तरह, और इस तरह बेस मॉडल में देखने जाओगे कुछ भी नहीं भाई, ना तो कैमरा है इसमें, ना सेंसर है, ना फॉग लैम्प से सामने आप देख सकते हो साइड नीचे, कुछ भी नहीं है भाई इसमें। इस तरह देखिए भाई, इसमें आपको मिल जाएंगे देखिए इस तरह के गुडियर के टायर है भाई इसमें। देखिए इसमें मिलेंगे भाई आपको 18 इंचज़ का ओराई मिलेंगे टॉप मॉडल में, जो कि 225/50 R18 के टायर्स मिलते हैं इसमें अलॉय इस तरह के। ये देखिए 18 इंचज़ का अलॉय है भाई इसमें। बेस मॉडल में मिलेंगे आपको 16 इंचज़ के स्टील रिम मिलेंगे, और टायर मिलते हैं अपोलो के। ये देखिए इसमें गुडियर के टायर है भाई, ये देखिए बहुत ही अच्छे ये भी। ये देखिए, और भाई यहाँ पे आपको इसमें इलेक्ट्रिक मिरर्स मिल जाएंगे टॉप मॉडल में। ये देखिए, इसको अनलॉक कर देता हूँ। ये देखिए भाई, टॉप मॉडल में इलेक्ट्रिक मिरर मिलेंगे भाई आपको। यहाँ पर दो वाइपर्स है, एडास का सिस्टम अभी ऐड किया गया इसमें, ये देख सकते हो। इसमें सेम वाइपर्स मिलेंगे भाई, एडास कुछ है नहीं ऊपर, ना तो सनरूफ है इसमें। टॉप मॉडल में आपको सनरूफ भी मिलेगा, ये देखिए। और भाई यहाँ पे इसकी बैचिंग ये देखिए हाइब्रिड की यहाँ पे सेम, और ये भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये देखिए मिरर भाई सेम मिलेगा आपको, ये पर्पल कलर है और ये सुपर वाइट है भाई, ये देख सकते हो। ठीक है, पर्ल वाइट नहीं, सुपर वाइट है भाई ये। ठीक है, तो भाई ये देखिए, तो भाई इसमें आपको इस तरह का मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो डोर्स के पास कुछ इस तरह की क्रोम की भाई पट्टी दी गई, देखो बहुत ही मस्त से मिरर के पास। डोर हैंडल्स कुछ इसके इस तरह के भाई, ये देख सकते हो टॉप मॉडल के। ये देखिए
ये देखिए भाई बहुत ही मस्त है भाई। इसमें ये देख सकते हो, इसमें 18 इंचेस का अलॉय मिलते हैं भाई, और इसमें 16 इंचेस का स्टील रिम मिलेंगे आपको। ये देखिए भाई फ्यूल टैंक दोनों सेम मिलेगा आपको, इसमें शार्क एंटीना है, इसमें भी शार्क एंटीना है भाई, ये देख सकते हो आप। पीछे आपको सेम इसमें 360 कैमरा मिलेगा, इसमें इसमें बेस मॉडल में 360 कैमरा भी नहीं मिलेगा भाई। वाइपर्स शार्क एंटीना सेम है भाई, आप देख सकते हो इसमें। इस तरह भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी क्रोम की पट्टी दी गई जो कि इसमें मिसिंग है टॉप मॉडल में, और ये यहाँ पे देख सकते हो आप नॉर्मल प्लास्टिक की दी गई देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो अब ये भाई अभी ऐड किया गया, ये देखिए इनोवा का, ये देखिए ये अभी अभी ऐड किया है जो कि टॉप मॉडल, इसके साथ दिया गया 21 के साथ एडास के साथ जो कि अपग्रेड किया है, तो उसमें भाई ऐड किया। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कुछ भी नहीं है भाई, ये देखिए साइड में कुछ भी नहीं है भाई, ये देख सकते हो आप भाई इस तरह कुछ इसके साइड प्रोफाइल इसमें कुछ भी नहीं है भाई, ये देखो। तो चलिए भाई मैं आपको इसका एक बार इंटीरियर दिखा देता हूँ, पहले फर्स्ट रो इसका दिखाऊंगा, फिर सेकंड रो में आपको बेस मॉडल का दिखाऊंगा, ठीक है। तो भाई देखते देखिए इस तरह का भाई इसकी कुछ सीट्स है, ये देखिए। चलो मैं आपको पहले इसका फर्स्ट रो दिखाऊंगा, तो भाई फिर उसका सेकंड फर्स्ट रो दिखाऊंगा। तो भाई आप देख सकते हो इस तरह का इसको पूरा डिजिटल मीटर मिलता है भाई, इसमें आपको एडास का सिस्टम मिलेगा, आप बहुत पैन रूफ में सनरूफ मिलेगा, ठीक है, पूरा फुली लेदर मिलेगा आपको, ये देखिए इस तरह। तो भाई इस तरह की इसकी स्टीयरिंग है, ये देख सकते हो आप, ये देखिए भाई इस तरह की स्टीयरिंग है इसकी। मैं आपको इसका ये ऑन करके दिखाता हूँ मीटर, ये देखिए पूरा डिजिटल मीटर है भाई इसका, ये देखिए, ये देखिए भाई 200 स्पीड इसका, इस तरह कुछ डिजिटल मीटर है इसका, ये देखिए भाई, ठीक है। देखिए भाई ऑटो एसी मिलेगा भाई इसमें, ये देखिए बहुत ही ठीक है भाई, ये देखिए एसी, ठीक है। तो भाई इसका चलो मैं आपको देख सकते इंटीरियर दिखा देता हूँ। इस तरह कुछ आपको यहाँ पे लेदर मिलेगा पूरा, एसी विंट आपको चार मिलेंगे इसमें भाई, आपको 9 इंच की JBL की LED स्क्रीन मिलेगी, ये देखिए 9 स्पीकर्स मिलेंगे इसमें आपको JBL के पूरे टॉप मॉडल में, ये देखिए भाई इस तरह का इसमें कंट्रोल दिए गए, ये देखिए ये पेट्रोल और इलेक्ट्रिक है भाई ये, ठीक है। मैंने आपको इसका दिखा दिया था डिजिटल मीटर, तो ये देख सकते हो आप, ये देखिए भाई इस तरह इसके यहाँ पे देख सकते हो मोड्स पार्किंग के दिए गए, ये देखिए हो EV मोड, देखिए देखिए भाई यहाँ पे EV मोड ट्राई, ये देखिए पूरा दिया है यहाँ पे इस तरह भाई, रखने के लिए ठीक है, चाबी आप रख सकते हो यहाँ पे, बॉटल आएगा नहीं, ठीक है। और वहाँ पे आपको सेम लेदर मिलेगा पूरा, इसमें आप देख ही सकते इस तरह, यहाँ पे आपको सनरूफ के कंट्रोल दिए गए, ये देखिए इस तरह, ये देखिए भाई यहाँ पे माइक मिलेगा आपको, वहाँ पे कुछ है नहीं, ये देखिए यहाँ पे डोर हैंडल दिए गए टॉप मॉडल में इस तरह भाई। आपको इसमें वेंटिलेटेड सीट्स है, पूरे इलेक्ट्रिक्स आप देख सकते हो, मैंने दिखाया था जो कि लास्ट वीडियो में। स्टीयरिंग आप देख सकते हो कुछ इस तरह के भाई, ये देखिए कंट्रोल्स बहुत ही अच्छे भाई इसके, कॉलिंग वॉलिंग के पूरे, ये देखिए मोड्स के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए, ये देखिए ये पेडल शिफ्टर भी दिए गए भाई, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये पेडल शिफ्टर, ये देखिए भाई, ठीक है। यहाँ पे वाइपर्स कंट्रोल, ये देखिए इस तरह, ठीक है भाई। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स है देख सकते हो आप, ये देखिए भाई बहुत ही गजब का इसका इंटीरियर मैंने बताया था आपको, जो कि ये देख सकते हो भाई इसका, ये देखिए भाई इस तरह यहाँ पे आप कुछ रख सकते हो, ठीक है भाई। ये देखिए फुली लेदर है भाई इसका, बहुत मस्त है मैं ये बोलूँगा ये, ठीक है। वहाँ पे आपको JBL के टूटा स्पीकर्स ही, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम इसमें 9 स्पीकर्स मिलेंगे JBL के, ठीक है, ये देखिए भाई। तो चलो मैं आपको एक बार इसका बेस मॉडल का भी दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो डोर्स में भाई पूरा लेदर यूज़ किया गया, ये देखिए यहाँ पर पूरा कंट्रोल्स दिए गए इस तरह, ये देखिए इस तरह का कुछ, ये देखिए भाई सब ठीक है। साइड मिरर्स के कंट्रोल्स, पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स भाई यहाँ के, देखिए डिक्की के कंट्रोल दिए गए, ये लाइट्स के, ये देखिए स्टीयरिंग के इस तरह पूरा ठीक है भाई, ठीक है। चलो मैं आपको इसका एक बार बेस मॉडल का दिखा देता हूँ आपको, इस तरह देखिए भाई इसमें यहाँ का इसका इस तरह के ये दिए गए, ये देखिए चार्जिंग पॉइंट दिए गए, ये पूरा लेदर है भाई इसमें, वेंटिलेटेड सीट्स, ये चार्जिंग पॉइंट देख सकते हो यहाँ पर दोनों दिए गए भाई, देखो सी टाइप और नॉर्मल दिया गया, देखिए ठीक है। तो चलो मैं आपको इसका एक बार उसका बेस मॉडल का दिखा देता हूँ भाई, डोर इसके देख सकते हो इस तरह पूरा लेदर का है ये, यहाँ पे सीट्स के कंट्रोल इलेक्ट्रिक सीट्स है भाई आपको पता होगा, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ठीक है ये देखिए भाई सीट्स के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए आपको पता होगा सबको, मैंने दिखाया था लास्ट टाइम जो कि, ठीक है। ये ऑटोमेटिक सीट्स एडजस्ट होते हैं भाई, जैसे आप स्टार्ट करते हो कार को बैठते हो इस पर तो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो बैथिंग जरूर मिस है, मैंने बहुत वीडियो में बताया था, यहाँ पे इसमें JBL के स्पीकर है इस तरह, यहाँ पे लाइट ये देख सकते हो भाई, इसमें यहाँ पे लोगों का दिया नहीं जो कि
लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें लोगो आता है भाई, ये देखो ये पर्पल कलर है भाई, ठीक है। तो चलो मैं इसका एक बार बेस मॉडल की कार का दिखा देता हूँ आपको, इंटीरियर क्या क्या है क्या क्या नहीं, ठीक है। ये देखिए भाई, वही बात भाई, आप बेस मॉडल में आते हो तो आप ये देखिए, ठीक है, बेस मॉडल में आते हो तो देखिए भाई इस तरह का इसका इंटीरियर यहाँ पे। चलो मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ यार एक बार, ठीक है। तो सेकेंड है, मैं आपको बेस मॉडल दिखाऊंगा नहीं, अभी मैं आपको यही दिखा देता हूँ। सेकेंड रो में कुछ ज़्यादा फीचर्स है नहीं तो दिखाऊंगा नहीं, उसमें ही मैं कंटिन्यू कर दूंगा भाई, बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है, ठीक है। तो भाई आप देख सकते हो इसमें, देखिए मीटर इसका नॉर्मल है ना, कोई डिजिटल इस तरह की इसकी स्टीयरिंग है भाई, ये डमी बटन से आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं है भाई, ना तो इसमें LED स्क्रीन है, ना AC का ऑटोमेटिक मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। ये देखिए पूरा मैनुअल है इसमें, ये देखिए भाई खाली गियर बॉक्स को छोड़ के भाई, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का पूरा हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया, ये देखिए ना वेंटिलेटेड सीट्स है, ना पूरे सीट्स आपको कंट्रोल करने नॉर्मल ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं है भाई इसमें, इलेक्ट्रिक सीट्स कुछ भी नहीं, ना तो साइड मिरर्स भी नहीं मिलेंगे भाई आपको इसमें, ठीक है। ये देखिए भाई इस तरह, इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं भाई, ये देखिए सनरूफ मिसिंग है यहाँ पे, सब कुछ भी नहीं भाई, मैंने बताया था जो कि यहाँ पे डोर हैंडल्स भी मिसिंग है भाई इस मॉडल में। ये देखो, ये देखिए भाई दो एयरबैग्स मिलेंगे बस, इससे ज़्यादा आपको बेस मॉडल में कुछ मिलेगा नहीं भाई। टॉप मॉडल लेने जाते हो 6 एयरबैग्स मिलेंगे, और की में आपको मतलब पीछे के डिक्की ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा, बहुत कुछ मिलता है भाई। ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं भाई, बटन पूरे खाली है देख सकते हो आप, ये देखिए भाई, ठीक है। ये देखिए भाई इस तरह की इसकी स्टीयरिंग, ये बटन कुछ काम के है नहीं, यहाँ पे इंजन का ऑन ऑफ स्टार्ट का बटन है, ठीक है भाई देख सकते हो। ग्लोव बॉक्स आपको सेम मिलेगा, ठीक है ना, और भाई आपको नॉर्मल ठीक ही मिलेगा पूरा, इसमें पूरा हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा भाई, ठीक है। और इसमें सनरूफ नहीं, नॉर्मल बेस मॉडल देना चाहिए, बेस मॉडल से भी ज़्यादा फीचर्स मिसिंग है भाई इसमें। नॉर्मल कोई दूसरी कार वाले देता है तो सीट्सों पे बैचिंग देता है भाई, ठीक है, तो भाई इसमें वो भी नहीं है। ये देखिए भाई सीट्सों पर ना तो बैचिंग है, कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। तो चलो मैं आपको उसका टॉप मॉडल में ही पूरा बता के क्या क्या फीचर्स मिसिंग है सब कुछ बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी भाई, इसलिए तो मैं टॉप मॉडल में सब कुछ कंटिन्यू करके आपको बता दूंगा, ठीक है। जो कुछ भी होगा टॉप मॉडल में आपको दिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो भाई अभी मैं इसका सेकेंड रो बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो हम बैठ चुके हैं सेकेंड रो में, आप देख सकते हो भाई इस तरह सेकेंड रो में मिलता है भाई। देखो इसमें टॉप मॉडल में लेने जाओ वो शेड्स मिलेंगे आपको, एसी वेंट मिलेगा, एसी वेंट के साइड में आपको लाइट्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही लंबा चौड़ा भाई पैनोरमिक सनरूफ मिलता है इसमें, देखिए वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं, इलेक्ट्रिक सीट्स मिलते हैं यहाँ पे कुछ भाई। ये देखिए इस तरह के, वहाँ पे आपने देखा होगा खाली एक स्विच दिया था कंट्रोल के लिए, एसी के लिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था भाई। ये देखिए इसमें फुल्ली लेदर दिया है भाई, ये देखिए बहुत ही मस्त भाई, ये देखिए, ठीक है। एसी का ये भी अच्छा है भाई, इसमें देखो जैसे आप क्लोज कर देते हो इससे क्या डस्ट घुसता नहीं है भाई, अगर बाय चांस कहीं जाते हो आप तो नॉर्मल पता है ना यहाँ पे एसी में डस्ट जाता है भाई, उससे मतलब अच्छा नहीं देता, तो भाई ये इसमें बहुत ठीक है। ये भी देख सकते हो सब में ऐसे ही दिया है, तो भाई ये फीचर्स बहुत ही अच्छा है इसका, ये ठीक है, जैसे आप जब ज़रूरत चाहिए जब यूज़ कर सकते हो, ओपन कर सकते हो बस, नहीं उतना ही, ठीक है। तो भाई आपको चारों सामने और फर्स्ट और सेकेंड रो में पूरे में शेड्स मिलेगा आपको, टॉप मॉडल भाई, और बेस मॉडल में कुछ भी नहीं है। देखिए वही इस तरह की इसकी सीट्स है, आपने देखो बेस मॉडल में क्या था, जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ था सीट, इतना सा ये गैप दिया है यहाँ पे, उतना गैप उसमें नहीं था भाई, ठीक है। उसमें नॉर्मल आप तीन लोग बैठ सकते थे, तीन लोग तो मुश्किल था भाई, क्योंकि अप एंड डाउन था यहाँ पे सीट्स थोड़ा, तो उसमें नहीं बैठ सकते थे, ठीक है। तो भाई देखिए इस तरह का इसमें सनरूफ है भाई, बहुत कुछ फीचर्स है इसमें टॉप मॉडल में भाई, टॉप मॉडल में बोलूँगा टॉप मॉडल लेना, पर बजट के ऊपर है वो तो खैर। 6 एयरबैग्स मिलते हैं इसमें आपको, JBL के स्पीकर्स मिलते हैं भाई, सीट्स का कंफर्ट तो बहुत ही गजब का है भाई, ठीक है। जो कि भाई डोर्स में आप देख सकते हो पूरा लेदर यूज़ किए गए हैं यहाँ पे, ये देखिए भाई डोर्स में ये ज़रूर प्लास्टिक है भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँगा भाई सबसे ये बटन्स बहुत चीप लग रहे हैं भाई, देखिए मतलब इन्होंने मतलब इतना पैसा लगाया तो भाई कम से कम अच्छा फिनिश देना चाहिए था बटन्स के लिए, देखिए कुछ है नहीं यार बटन्स में, ठीक है। यहाँ पर मतलब इनको क्या था, कुछ डिज़ाइन देना चाहिए था, ठीक है।
जैसे पावर विंडो का कंट्रोल आया यार यहाँ पे इतना सही है, ज़रूरी इन्हों को कुछ देना चाहिए था। जैसे डिज़ाइन देते हैं ना यार, जैसे सफारी में था मेरे में, जैसे पावर विंडो है तो कम से कम इतना ही सेम उसमें भी ऐसे ही है भाई, ठीक है ऐसे दिया था, तो यहाँ पे भी इनको कुछ डिज़ाइन देना चाहिए था, ये अच्छा रहता था। चलो जाने दो, ठीक है। तो भाई इस तरह का इसका सेकेंड रो है, ठीक है। सनरूफ है, बहुत ही अच्छा है भाई इसमें, ये देखिए भाई एसी वेसी बहुत ही कसर, इसमें इलेक्ट्रिक सीट्स मिलते हैं आपको, ठीक है। तो चलो मैं इसका आपको थर्ड रो दिखा देता हूँ एक बार, लास्ट थर्ड रो दिखाता हूँ मैं आपको इसका। तो भाई देखिए यहाँ पे इसकी कंट्रोल दी गई है, देखिए इस तरह, ठीक है इस तरह, ये देखिए भाई। तो मैं आपको थर्ड रो दिखा देता हूँ इसमें, देखिए इस तरह का कुछ इसका थर्ड रो, पूरा लेदर भाई बहुत ही अच्छा है ये अच्छा दिया है इन्होंने, देखिए भाई मैट्स भी इन्होंने अच्छे दिए टोयोटा का, ये देखिए टॉप मॉडल है भाई, ये देखिए इस तरह का है कुछ भाई थर्ड रो, पूरा लेदर है देखो मैंने बताया था, ठीक है। इसमें कुछ तकिया वकिया दिया है टॉप, ये देखिए थर्ड रो में भाई JBL का बैचिंग दिया है वहाँ पे, ये देखिए इस तरह AC वेंट है, इसमें हैंडल्स है, ठीक है। यहाँ पे आप नॉर्मल बॉटल रख सकते हो, ठीक है छोटी बॉटल आई, ज़्यादा बड़ी नहीं, 10 रुपये वाली, ठीक है भाई। इसमें इलेक्ट्रिक सीट्स मिलेंगी, थर्ड रो में भाई कुछ भी नहीं इलेक्ट्रिक नहीं, नॉर्मल है, ठीक है। ये पूरे इलेक्ट्रिक सीट्स मिलेंगे, मैंने बोला था भाई इनको आर्म रेस्ट ये थोड़ा इनको बड़ा करना चाहिए था भाई, ठीक है 1 इंच का है भाई, यहाँ पे क्या होता है हाथ ऐसे ऐसे होते रहता है, ठीक है। तो इसमें इनको आर्म रेस्ट थोड़ा बड़ा करना चाहिए था, ठीक है भाई। ये देखिए ये ठीक है भाई, टॉप मॉडल ही ठीक है, देख सकते हो आप, ठीक है। लेदर दिया है, मतलब इलेक्ट्रिक सीट्स दिए गए, पावर अच्छी है, EV मोड है इसमें, सब कुछ अच्छा है भाई, टॉप मॉडल बहुत ही अच्छा है इसका, गज़ब का है, कंफर्ट में भी बात 1 नंबर का है भाई, ठीक है। तो चलो भाई मैं इसका आपको लास्ट थर्ड रो बोल रहा हूँ, बूट स्पेस दिखा देता हूँ, देखिए भाई। तो इसको कर देते हैं, इंजन तो भाई दोनों का साइलेंट है, ठीक है मैंने ऑन किया था, देखा भी था पहले, आपको बताया नहीं तो मैं दिखा दूँगा, ठीक है। ये भाई इसको कर देते हैं क्लोज, इसमें क्या है भाई चाबी में मिलता है आपको, ठीक है टॉप मॉडल में स्विच यहाँ पे, तो मैं इसको दिखा देता हूँ, ये देखिए भाई इस तरह इसका थर्ड रो, ये देखिए। तो भाई चलो मैं इसकी एक बार डिक्की ओपन कर देता हूँ, ये देखिए भाई इस तरह की चाबी मिल जाता है, देखिए देखिए कंट्रोल टॉप मॉडल में, ये देखो बटन होल्ड करोगे आप, ये देखिए भाई इस तरह ओपन होता है, जैसे आप बटन होल्ड करोगे जहाँ पे रुकना है वहाँ पे रुक जाएगा, ये देखिए इसमें हाइड्रोलिक दिए गए, आप नॉर्मल बेस मॉडल में दोगे तो भाई इसमें आपको यहाँ पे कंट्रोल दिए गए, ये देखिए इसमें कुछ है नहीं भाई, लोगो दोनों का पीछे का सेम है भाई और कुछ है नहीं इसमें, ये देखिए भाई कुछ पेड़ रखा है अपना इसमें, इसमें 300 का बूट स्पेस मिलेगा भाई, नीचे स्पेयर व्हील मिलेगा, ठीक है और कुछ है नहीं, हाइड्रोलिक नॉर्मल सब कुछ ठीक है भाई इसमें, ये देखिए ये भी प्लास्टिक का है भाई इसमें, ये देखिए इस तरह के मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए भाई यहाँ पे JBL के स्पीकर, इस तरह लाइट है इसमें, ये देख सकते हो आप, ठीक है। और इसमें आपको इस तरह है भाई, ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं है नॉर्मल, ये ज़रूर सेम है भाई इसमें, देख सकते हो ये और उसमें सेम ही है दोनों में, हाइड्रोलिक भाई इसके हाइड्रोलिक देख सकते हो आप कितने छोटे हैं, नॉर्मल मैनुअल है तो इसके हाइड्रोलिक आप देख सकते हो, इसमें टॉप मॉडल में ऑटोमेटिक है तो इसके भी आप देख ही सकते हो, ये देखिए ठीक है। तो चलो मैं इसका एक क्लोज कर देता हूँ, ये देखो जैसे आप बटन होल्ड करोगे, ये देखिए भाई ये हो रहा है क्लोज, ये देखिए भाई ऑटोमेटिक क्लोज हो गया, ये देखिए भाई ठीक है। तो मैं चलो मैं आपको इसका एक बार सनरूफ दिखा देता हूँ, इसमें भाई 52 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, टैंक वैंक को पूरा सही सेम है भाई इसमें, ठीक है ऑल ऑफ व्हील्स ये ज़रूर डिफरेंस है इसमें, ठीक है हाइब्रिड बैचिंग मिलेगी। चलो भाई इसका एक बार आपको सनरूफ दिखा देता हूँ भाई, ठीक है सनरूफ दिखाता हूँ इसका, बहुत ही अच्छा है भाई सनरूफ, ये देखिए भाई हाँ एक सेकेंड भाई इसका सनरूफ दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई ये देखिए ऑन कर लिया मैंने, चलो मैं आपको इसका एक बार सनरूफ दिखा देता हूँ, ये देखिए भाई भाई पैनोरामिक सनरूफ है, देखिए भाई बहुत ही गजब, ये देखिए भाई ये देखिए भाई ये देखिए भाई, ठीक है अब इसको ओपन करते हैं, ये देखिए भाई सनरूफ भाई बहुत ही गजब का इसमें, ये देखिए बहुत ही मस्त है भाई, ठीक है
ये देखिए भाई, यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स दिए, ये देखिए भाई, ठीक है सनरूफ को कर देते हैं क्लोज। ये देखिए ऑन ऑफ सब कुछ दिया है भाई, यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल्स दिए गए आपको, देखिए ये देखिए, इसको क्लोज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक सीट से भाई, इसे देखिए देखिए, ठीक है इसको, ये देखिए भाई, ये देखिए भाई, ये ठीक है भाई, है ना, बहुत ही मस्त है भाई सनरूफ इसका। इलेक्ट्रिक सीट्स ये देखिए, मैं बोलूँगा भाई इनको ऊपर क्या था, यहाँ पे कुछ इनको रूफ़ का ये बहुत कुछ चेंज करना चाहिए था, मतलब ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है इसमें, लेदर टाइप कुछ दूसरा रूफ देना चाहिए था इनको, ठीक है चलो जाने दो वो तो। खैर ये देखिए भाई इस तरह का, बहुत ही गजब भाई इसमें एसी स्टीयरिंग बहुत ही मस्त है, इसकी लाइट है एकदम स्टीयरिंग, ठीक है बहुत ही अच्छा है भाई। ये देखिए भाई एसी बहुत अच्छा है इसका। तो भाई बस इतना ही, ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिए, कुछ रह गया तो भाई सॉरी, ठीक है तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए भाई।